हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज हम लोग बात करेंगे क्रैकरो मॉन्स्टर, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। एक पोलैंड सीरीज है, इसमें टोटल 8 एपिसोड्स है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 48 मिनट से लेके 58 मिनट्स के बीच में, और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। शो की कहानी स्टार्ट होती है एलेक्सेंड्रा से, इसको आप लोग एलेक्स भी बोल सकते हैं। ये एक मेडिकल स्टूडेंट है जिसको बहुत ही बुरे बुरे नाइटमेयर्स आते हैं। अब ये नाइटमेयर से बचने के लिए ये क्लबिंग करती है, ये अल्कोहल पीती है, गांजा पीती है, और ये सेक्स भी करती है। सेक्स करने से इसको सुकून मिलता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब एलेक्स की मुलाकात होती है लकी और एक प्रोफेसर से, फिर उसके बाद कुछ और स्टूडेंट से भी, फिर उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कैसे डेमन्स की रिसर्च करना स्टार्ट हो जाते हैं ये लोग, सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपको घोस्ट देखने मिलेंगे, डेमन्स देखने मिलेंगे, वैम्पायर्स देखने मिलेंगे, गॉड्स देखने को मिलेंगे, इविल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि वो सारी चीजें हैं जो इस तरह के शो को आपको देखने के लिए मजबूर करती है। बट ऐसा भी नहीं कि ये शो पूरी तरह से परफेक्ट है। यहाँ पर आपको कुछ कोइंसिडेंट देखने को मिलेगा, और स्टार्टिंग में चीजें थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से आगे बढ़ती है, लेकिन जिससे चीजें आपको समझ में आती है तो आपके लिए वो चीजें ईजी भी हो जाती है। फिर उसके बाद शो को काफी हद तक सिंपल रखने की कोशिश भी की है। लेकिन इस शो को देखते दौरान मुझे कोरियन शो हेलबाउंड की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। वो क्यों आ रही थी वो आप लोग भी समझ जाओगे जब इस पर्टिकुलर शो को देखोगे। शो में अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जो एक कैरेक्टर है एलेक्स यानी कि एलेक्सेंड्रा, उस लड़की के प्रेजेंट और पास की भी बहुत सारी चीजें इस शो में दिखाई, जिससे आप लोग इजीली उस कैरेक्टर के बारे में समझ जाते हैं, और वही हमारी शो की मेन कैरेक्टर भी है। उसके अलावा जो दूसरे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से लिखा है। लेकिन एक चीज मुझे इस शो की बहुत फनी लगी, वो जिस तरीके से वो जो स्टूडेंट लोग कर रहे थे ना, मतलब शो में है बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको काइंड ऑफ फनी भी लगेंगे। उसकी अगर सिनेमेटोग्राफी की बात को, तो वो जो एक एटमोसफियर उन लोगों ने क्रिएट किया है कार को, एक टाउन को, जिस तरह से उन लोगों ने एक स्कैरियस्ट टाउन बताया, मतलब एकदम डरावना, वो चीज़ आपको फील होती है इसके सिनेमेटोग्राफी के थ्रू। BGM अच्छा है, और अगर मैं एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को अच्छा भी किया और कुछ फनी वे में भी किया है, ठीक है क्या। शो की नेगेटिविटी की बात करूँ तो यार इसकी जो एडिटिंग है उसको और भी अच्छी तरह से किया जा सकता था। यानी कि 8 एपिसोड तक का ये शो जिस तरह से लोगों ने खींचे, मेरे ख्याल से ये 6 एपिसोड होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। चलो तो शो काफ़ी ज़्यादा स्लोली स्लोली आगे बढ़ता, तो वो जो स्लो बर्न शोज होते हैं ना, वो मैक्सिमम ऑडियंस प्रीफर नहीं करती है। उसके अलावा शो का जो नेगेटिव पॉइंट लगा वो लगा इसका CGI, मतलब CGI अच्छा था लेकिन उतना भी अच्छा नहीं था जितना अच्छा होना चाहिए था, और आज की तारीख में लोगों को एक्सपेक्टेशन है CGI से, तो वो यहाँ पर बेटर कर सकते थे। उसके अलावा इसका जो एंडिंग है वो एंडिंग भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना होना चाहिए था। और बाय द वे इसका भी सीजन 2 आएगा जहाँ पर ये शो खत्म हुआ है। पेरेंटल गाइडेंस में इतना बोल सकते, ये शो सिर्फ एडल्ट्स के लिए, क्योंकि इसमें आपको न्यूडिटी देखने को मिलेगी, सेक्स सीन्स देखने को मिलेंगे, और बहुत सारी ऐसे वॉयलेंस देखने को जो आपको अवॉइड करना चाहिए फैमिली के साथ देखने के लिए। मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 7/10। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।